मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले की छानबीन लगातार नए नए खुलासे कर रही है। दुमका और पकाड़ों के खनन पदार्थियों के ईडी अधिकारियों को पूछताछ में ब्लैकस्टोन कनेक्शन निकलकर सामने आया है। ईडी के अवैध खनन किए जाने पत्थर चिप्स को बांग्लादेश भेजने के नेटवर्क के बारे में भी बड़ी जानकारी मिली है। इस अवैध खनन और पत्थर चिप्स को बांग्लादेश भेजने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। ईडी की टीम ने बुधवार को बिल्डर विनय सरावगी को भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया। इसके बाद विनय सरावगी सुबह लगभग 10 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। बिल्डर विनय सरावगी से 2 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। बताया गया है कि कुछ जमीन के मामलों के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। यह भी जानकारी मिली है कि ईडी बिना समन जारी किए ऐसे लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, तो पूछताछ के माध्यम से लगातार जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है।